हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर आया हूँ नोबेल प्राइज़ विनर 2020। दोस्तों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन 2020, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स लिटरेचर, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, नोबेल पीस प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस 2020। इन सभी प्राइज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। सभी नोबेल प्राइज को मैं इमेज के माध्यम से आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो डिजिटल है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। किस कार्य क्षेत्र में किस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है, तो मैं इसको बताऊँगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो पहले हम देखेंगे नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में तीन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। पहले वैज्ञानिक हैं माइकल ह्यूटन, जो अमेरिका से संबंधित वैज्ञानिक हैं। दूसरे वैज्ञानिक हैं हार्वे जे हाल्टर, जो अमेरिका से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तीसरे वैज्ञानिक हैं चार्ल्स एम राइज, जो ब्रिटेन से संबंधित वैज्ञानिक हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम आप याद रखिएगा। इन तीनों वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस नाम को याद रखिएगा, यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में किस वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया है, किस कार्य क्षेत्र के लिए। तो हेपेटाइटिस सी वायरस के खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। हम नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, फिजिक्स के क्षेत्र में तीन वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया है। पहले वैज्ञानिक के हैं रोजर पेनरोसे, जो ब्रिटेन से संबंधित हैं। इनको ब्लैक होल का गठन, सापेक्षता का सिद्धांत का मजबूत पूर्वानुमान के लिए दिया गया यह पुरस्कार है। ब्लैक होल का गठन, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए रोजर पेनरोसे को यह पुरस्कार दिया गया है, जो ब्रिटेन से संबंधित वैज्ञानिक हैं। इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दो वैज्ञानिक हैं जिनको संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है, रीनहार्ड गेंजेल, जो जर्मनी से संबंधित वैज्ञानिक हैं, जिनका इमेज आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है एडिया घेज, जो अमेरिका से संबंधित वैज्ञानिक हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। आकाश गंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पुरस्कार दिया गया है, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है लिटरेचर, लिटरेचर में एक वैज्ञानिक हैं जो अमेरिका से संबंधित हैं, लुइस गिल। लुइस गिल को यह पुरस्कार दिया गया है, और शानदार काव्य शैली के लिए यह पुरस्कार लुइस गिल्स को दिया गया है। तो आप इस कार्य क्षेत्र को याद रखिएगा कि लुइस गिल्स लिटरेचर में यह पुरस्कार शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है, और यह वैज्ञानिक लुइस गिल्स अमेरिका से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा कि लिटरेचर में लुइस गिल्स को यह पुरस्कार दिया गया है, जो अमेरिका से संबंधित वैज्ञानिक हैं। शानदार काव्य शैली के लिए यह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 2020 इनको दिया गया है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020, देखिए दो वैज्ञानिक को दिया गया है। पहले वैज्ञानिक है एमैनुअल चारपेंटियर, दोस्तों एमैनुअल चारपेंटियर यह फ्रांस से संबंधित वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट हैं जेनिफर, यह अमेरिका से संबंधित वैज्ञानिक हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री में यह पुरस्कार दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा किस कार्य क्षेत्र में जीनोम एडिटिंग के लिए
एक विधि के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नोबेल पीस प्राइज। दोस्तों नोबेल पीस प्राइज 2020 इस बार WFP को दिया गया है। WFP का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे हम विश्व खाद्य कार्यक्रम भी कहते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी और WFP का मुख्यालय रोम में है, जिसकी राजधानी इटली है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। देखिए पीस प्राइज 2020 इस किस कार्य क्षेत्र में दिया गया था, तो देखिए भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग से लड़ने के लिए दिया गया है यह पुरस्कार। इसमें 10 करोड़ लोगों की मदद की है WFP ने। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि नोबेल पीस प्राइज 2020 WFP को दिया गया है, जिसका मुख्यालय रोम में है, और किस कार्य क्षेत्र में दिया गया है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस 2020। दो वैज्ञानिकों को यह प्राइज दिया गया है। देखिए पहला है पॉल मिलग्रोम, जो अमेरिका से संबंधित वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट विल्सन। इन दोनों वैज्ञानिकों को यह प्राइज दिया गया है संयुक्त रूप से। किस कार्य क्षेत्र में दिया गया है, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप कार्य क्षेत्र को भी याद रखिएगा, यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वैज्ञानिकों का भी आप इमेज देख रहे हैं, आप चित्र से भी इन सभी वैज्ञानिकों के नाम याद कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक साइंस में 2020 में पॉल मिलग्रोम, रॉबर्ट विल्सन, जो संयुक्त रूप से दोनों वैज्ञानिक अमेरिका से संबंधित हैं, यह प्राइज दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी नोबेल प्राइज आपको याद हो गए होंगे। आप प्लीज़ एग्ज़ाम में जाने से पहले वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिए, सभी पॉइंट आपको याद हो जाएंगे और आपको इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब।